शहर में हो रहे अवैध निर्माण से नगर पालिका प्रशासन अनजान बना हुआ है। कॉमर्शियल व रिहायशी निर्माण करने वाले बिना नक्शा पास करवाए भवन निर्माण कर सरकार को चूना लगा रहे हैं, परंतु नपा अधिकारी केवल नोटिस जारी करने की बात कहकर अपनी ड्यूटी पूरी करने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि जहां कुछ दिनों पहले नपा अधिकारियों ने स्टेट हाईवे पर ढाबों पर हुए अवैध निर्माण को तोड़कर वाहवाही लूटी थी, वहीं अवैध निर्माण पर कार्यवाही ना कर नगर पालिका अधिकारी सवालों के दायरे में आ गया है। शहर में गुड्डा गुरुद्वारा के पास, यस बैंक के पास, अनाज मंडी रोड, विश्वकर्मा मंदिर और अन्य कई जगहों पर लोग बिना नक्शा पास करवाए रिहायशी व कॉमर्शियल निर्माण कर रहे हैं। मतलब साफ है, बिना नक्शा पास करवाए भवन निर्माण का खेल अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। नियमानुसार शहर की वैध कॉलोनियों में निर्माण करने वालों से नपा द्वारा डेवलपमेंट चार्जेस वसूल करने होते हैं। जो कॉलोनियों में वर्ष 2004 में अप्रूव्ड हुई थी उनके लिए 80 रुपए प्रति वर्ग गज, 2013 में अप्रूव्ड हुई कॉलोनियों के लिए 30 रुपए प्रति वर्ग गज और 2017 से 18 में अप्रूव्ड हुई कॉलोनियों में निर्माण करने वालों से कलेक्टर रेट का हिसाब 5% के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस वसूल करने का प्रावधान है, परंतु नपा अधिकारियों द्वारा डेवलपमेंट चार्जेस वसूल ना करने के कारण सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकार ने आम नागरिक की सुविधा के लिए नवंबर 2018 में ऑनलाइन नक्शा पास की प्रणाली लागू की थी। ऑनलाइन प्रणाली के तहत कोई भी नागरिक साइट पर जाकर अपना नक्शा पास करवाने के लिए आवेदन कर सकता है, परंतु शहर में अधिकतर निर्माण बिना नक्शे के ही हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो पिछले 3 महीनों में केवल 8 से 10 व्यक्तियों ने ही साइट पर नक्शे के लिए आवेदन किया है, जबकि शहर में दर्जनों निर्माण चल रहे हैं। इस मामले में नपा सचिव देवेंद्र नरवाल का कहना है कि शहर में पालिका अभियंता नोडल ऑफिसर है, शीघ्र ही उन्हें आदेश देकर शहर का सर्वे करवाया जाएगा और जो भी निर्माण कार्य बिना नक्शे के चल रहा है उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। हाँ जी, कुछ फोन कॉल्स के द्वारा मुझे मेरे संज्ञान में यह बात आई थी कि शहर में कुछ जगहों पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उसका जब संबंधित अधिकारी और कर्मचारी से पता किया गया तो यह पाया गया कि 15 से 20 नोटिस लगभग जो 208 हरियाणा म्यूनसिपल एक्ट 1973 इशू किए जाते हैं नगर पालिका द्वारा, वो इशू किए गए हैं। जिन जगहों पे नोटिस इशू नहीं हो पाई और कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है उनको एक टीम, स्पेशल टीम गठित करके और उनको नोटिस इशू करे जाएंगे और ड्यू कोर्स में जो कार्रवाई उन पर वो करी जाएगी। इसमें डिले का एक कारण मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में लास्ट मंथ में म्यूनसिपल बाई इलेक्शन हमारे यहाँ पे थे, जिसमें कुछ जो कोर्सिव एक्शन थे वो नगर पालिका द्वारा नहीं लिए गए। मीनवाइल जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर का चार्ज जिसके पास था, जिस भी ऑफिसर के पास, उनका यहाँ से चार्ज ले लिया गया और गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे यहाँ जेई हैं उन्हीं को चार्ज दिया गया, तो उनको ये इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दी गई हैं कि जो भी शहर में बिना परमिशन या बिना नक्शे के जो निर्माण चल रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जाए। जी, उनको जो ड्यू कोर्स में हमारा नोटिस बनता है वो उसको नोटिस दे दिया गया, बेशक लेंटर उसमें डाल लें तो उसमें जो कोर्ट केसेस या फिर डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वो जरूर की जाएगी, उसको कंपाउंड करवाना पड़ेगा अगर वो उसने निर्माण अवैध तरीके से किया भी है। तो शहर के अवैध कॉलोनी के संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि नगर पालिका जो 208 का नोटिस इशू करती है वो नगर पालिका ने नोटिस कर भी दिए हैं। ये जो हमारी अवैध कॉलोनियों की जो अवैध निर्माण की बात होती है वो एक DTP की जो प्राइम ज्यूरिडिक्शन है और नगर पालिका ज्वाइंट एक ऑपरेशन चलाती है और ये टाइम टू टाइम भी डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वो चलती रहती हैं। डेफिनेटली वी विल कॉन्टैक्ट विद द DTP एंड और जो भी इस तरह की अवैध कंस्ट्रक्शन चल रही है उनके खिलाफ नोटिस देकर एक ज्वाइंट साइड ड्राइव चलाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.